जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान लवकुश शर्मा का बुधवार को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव आयरा में अंतिम संस्कार किया गया। दुख के इस क्षण में माहौल उस समय करुणामय हो गया जब शहीद की विधवा ने अपने पति को अंतिम सलामी दी और 7 वर्षीय बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। यही नहीं, अपने वीर पुत्र की शहादत को नमन करने और उनकी आखिरी झलक पाने को काफ़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी शहीद के गांव पहुंचकर अपने वीर सपूत लवकुश शर्मा को नमन किया। आपको बता दें कि शहीद को सलामी देने के लिए सभी दलों के नेता और अधिकारी भी गांव में मौजूद थे। राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता मुहैया कराएगी, साथ ही गांव के स्कूल का नाम भी शहीद लवकुश शर्मा के नाम पर किया जाएगा। और जो भी सरकार की क्या प्रावधान है 11 लाख की राशि को अतिथि और इन लोगों का एक डिमांड था कि यहाँ के स्कूल का नामकरण कौशल शर्मा के नाम पर कर दिया जाए। हमने उसमें पूरी तरह से उनको आश्वस्त कर दिया, 3 से 4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन की कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी। अगर जमीन होगी तो एक दो वर्ग कक्ष भी हम बनवा देंगे शिक्षा विभाग की ओर से, और इस तरह से हम लोग इस युवक होनहार युवक शहीद कौशल लवकुश शर्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा देश पूरा राज्य ऐसे शहीदों के नमन करता है, नतमस्तक है। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन के द्वारा शहीद के परिजनों को 11 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मुहैया कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीद के परिजन को 25 लाख रुपए और एक नौकरी की भी घोषणा की गई है। हमारे जिले के शहीद लवकुश शर्मा जी का आज हम लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे सैनिक सम्मान और पुलिस सम्मान के साथ हम लोग अभी यहाँ पर संपादित करा रहे हैं, और जो बिहार सरकार की तरफ से जो उनको अनुग्रह राशि जो मिलनी थी वो भी हम लोगों ने दे दिया, और कुछ डिमांड किया गया है यहाँ से गांव वालों के द्वारा या उनके परिजन के द्वारा, उसको हम लोग अनुशंसा करके यहाँ से भेजेंगे। हमारे साथ सीआरपीएफ के डीआई साहब भी हैं और सभी लोग यहाँ पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई हम लोगों ने दिया। जहानाबाद ब्यूरो के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN लाइव इंडिया।